ओ माय गॉड, होता है इश्क में कुछ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है ये नहीं पता था। ईशा एक टाइम पर कहती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त है, दोस्त है। उसके बाद यहाँ पर समर्थ भी इतना ड्रामा करते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब लाइफ फिर चालू होता है रात में, ये दोनों बेड भी शेयर करते हैं। जी हाँ, ईशा मालविया और समर्थ ने बेड शेयर किया था कल रात में। उसके बाद जब आज मॉर्निंग हुई है तो मॉर्निंग के टाइम पर दोनों रोमांटिक भी होते हुए नजर आए। चलो, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है तो रोमांटिक होना कोई बुरी बात नहीं है, दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे थे, लेकिन वो ड्रामा क्या था? वो था क्या ड्रामा जिसमें समर्थ एकदम एकदम शराबियों की तरीके आए थे और ये एक नंबर की झूठी है, लड़ना झगड़ना और फिर ईशा का इनोसेंट बनना कि तू ये बोल करके आया है क्या कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, हम लोग डेट कर रहे हैं, मतलब अजीब लग रहा था। उसके बाद आपको पता है कि आपको उसी रूप में आना है, तो कहीं ना कहीं ईशा ये सारी चीज़ें करके अपने ऊपर एक झूठे का टैग लगा रही हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।